गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द्वादश पाठ पाठ 12, संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। तो चलिए एक पैराग्राफ पहले हम संस्कृत में पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद उसका अनुवाद देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते फर्स्ट पैराग्राफ। सर्वाशु भाषाशु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अस्माकं संस्कृतिः भाषायामेव निहिता। संसारस्य प्राचीनतमा चत्वारः वेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्वेदश्च संस्कृतभाषायां विद्यन्ते। वाल्मीकिना विरचिता रामायणं प्रथमं छन्दोबद्धं महाकाव्यम् अस्ति। अस्मिन्नेव काव्ये सामाजिक आदर्शाः निहिताः सन्ति, यथा रामस्य पितृभक्तिः, भरतस्य त्यागः, दशरथस्य पुत्रवात्सल्यं च। महाभारतं नाम संस्कृतस्य ग्रन्थः विश्वज्ञानकोशः प्रतीयते। गीतामपि महाभारतश्च एव महत्वपूर्णा अस्ति। अस्याः भाषायां कविकुलगुरु कालिदासेन अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाम विश्वप्रसिद्धं नाटकं विरचितं। गीते काव्येषु तस्य मेघदूतं प्रसिद्धम् अस्ति। जयदेवेन विरचितं गीतगोविन्दं नामकं गीतिकाव्यमपि सर्वाधिकं लोकप्रियम् अस्ति। चलते हैं, इसका पहले अनुवाद कर लेते हैं। सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। बहुत पुरानी भाषा है संस्कृत भाषा। हमारी संस्कृति का आधार भाषा में ही है। संसार के सबसे पुराने चार वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद संस्कृत में ही हैं, अर्थात संस्कृत में ही लिखे हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण संस्कृत का प्रथम छंदोबद्ध महाकाव्य है। इस काव्य में सामाजिक आदर्श निहित है, जैसे राम की पितृभक्ति, पितृभक्ति मतलब पिता की भक्ति, भरत का त्याग, भरत ने क्या किया था, अपने राजपाट का त्याग किया था, दशरथ का पुत्र प्रेम, दशरथ पुत्र वात्सल्य मतलब पुत्र प्रेम, वात्सल्य मतलब प्रेम आदि। महाभारत नामक संस्कृत का ग्रंथ विश्व का ज्ञान का खजाना प्रतीत होता है। गीता भी महाभारत का ही महत्वपूर्ण भाग है। इस भाषा में कवियों के कुलगुरु कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक विश्व प्रसिद्ध नाटक की भी रचना की। गीति काव्य में उनका मेघदूत प्रसिद्ध है। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद नाम का गीति काव्य भी सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो अभी तक हमने जितने भी नाम पढ़े वो सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। पूरा भारते प्राय सर्वे जना संस्कृत भाषायामेव परस्परम आलपन्ति स्म। तदध्या एकदा भोजराजः गच्छन् मार्गे एकं भारवाकं दृष्टवान्। तस्य शिरसि गुरुतरं भारं दृष्ट्वा भोजराजः तं पृच्छत् अपि भारो बाधति। प्राचीन काल में भारत के सभी लोग प्रायः संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप करते थे, अर्थात बातचीत करते थे। तभी तो एक बार राजा भोज जब रास्ते में जा रहे थे तब एक बोझा ढोने वाले को देखा। उसके सिर पर बहुत भार देखकर राजा भोज ने पूछा, भार में बाधा है? तब भारवाहक ने क्या कहा देखते हैं। भारवाहक शीघ्रमेव अवदत्, भारो न बाधते राजन, यथा बाधति बाधते। अनेन प्रतीयते यत् सामान्यो अपि जनः संस्कृत भाषां जानाति स्म। तब बोझा ढोने वाले ने राजा को कहा, भार इतना कष्ट नहीं पहुंचा रहा है जितना कि आपके द्वारा बाधते के स्थान पर बाधती कहना। अर्थात राजा ने बाधते का प्रयोग
ना करके किसका यूज़ किया था वहाँ पर, बाधती शब्द का यूज़ किया था जो कि वहाँ पर सही नहीं था। इसीलिए भारवाहक ने उसे सुधारते हुए कहा कि भार इतना कष्ट नहीं पहुँचा रहा है राजन जितना कि आप बाधते के स्थान पर बाधती कह रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि सामान्य लोग भी संस्कृत भाषा जानते थे। शनै शनै संस्कृत भाषाया व्यवहार शिथिलो अभवत् किंतु अद्यत्वे अपि संस्कृत कक्षासु संस्कृत भाषां जीवित भाषा रूपेण पाठ्यते। भाषासु मधुरायं भाषा भारतीय संस्कृते रक्षार्थं ज्ञानवर्धनार्थं च संस्कृत भाषा अवश्यमेव पठितव्या। धीरे धीरे संस्कृत भाषा के व्यवहार में कमी आती गई, किंतु आज भी संस्कृत की कक्षा में संस्कृत भाषा को जीवित रखा गया है, जीवित रूप में रखा गया है, जीवित भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है संस्कृत भाषा का। हमारे सामान्य जीवन में भाषा नहीं बोली जाती संस्कृत भाषा, लेकिन आप कक्षा में संस्कृत पढ़ते हैं। भाषाओं में मीठी यह भाषा भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए संस्कृत भाषा का अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारी संस्कृति के लिए, है ना? तो आप भी पढ़िए संस्कृत, ओके? तो शब्दार्थ है यहाँ पर, तो आप इसे लर्न कर लेंगे अच्छे से, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।